नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, यह चेतावनी सड़क के किनारे अक्सर आपको देखने को मिलेगी। मगर इस चेतावनी का बोर्ड पर लिखी नसीहत का असर कितना होता है, इसकी वानगी आज देखने को मिली। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज का एक ड्राइवर, न केवल उसने उन सवारियों की जान जोखिम में डाली बल्कि उसने अपनी जान को भी खतरे में डाला। जी हाँ, एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें हरियाणा रोडवेज बस का ड्राइवर मोबाइल पर फोन पर बात करता है और यात्रियों से भरी हुई बस को चला रहा है। ड्राइवर की 1 किलोमीटर तक हाथ में मोबाइल पकड़े पकड़े बात कर रहा है तथा दूसरे हाथ से स्टीयरिंग थाम रखा है। उसकी ये हरकत यात्री जो वहाँ पर बैठे थे उन्होंने अपने मोबाइल में कैद कर ली, लेकिन इसी दौरान उनकी सांसें भी हलक में अटकी रही। काफ़ी देर तक उसने फ़ोन पर बात करी, लेकिन पास में ही एक ऐसा यात्री जिसने अपने फ़ोन में इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात न करने के लिए एक यात्री ने उसे साफ मना भी किया था, मगर वो नहीं माना, जिसके बाद उसने अपने मोबाइल में बनाई हुई वीडियो को रिकॉर्ड किया और मीडिया तक पहुँचा दिया। अब नियमों की दुहाई देने वाला प्रशासन इस मामले में कितनी कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। वही इस मामले में SDM एवं रोडवेज के GM से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उसके संज्ञान में मामला है। वही रोडवेज DM को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है और इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। अगर कोई आम आदमी ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और चालान भी भुगतना पड़ता है। मगर इन जनाब का क्या किया जाए जो न केवल नियमों की अवहेलना कर रहे हैं बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डाले हुए हैं। रोडवेज के कर्मचारी अक्सर विवादों में रहते हैं। खैर, इन जनाब के तो नियमों और जागरूकता के बोर्डों का कोई असर नहीं है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले को किस तरह से लेता है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आपके माध्यम से फोन द्वारा मुझे सूचना मिली थी भी ऐसे कोई बस आ रही थी जिसका ड्राइवर फोन पर चलती गाड़ी में फ़ोन पर बात कर रहा था, सवारियों के साथ भी उनकी तूत डाक हुआ कुछ ऐसा। तो मैं कल मैसेज कर नहीं सके, आज जैसे ही सुबह मुझे टाइम मिला मैंने TM को मैसेज कर दिया, इसके खिलाफ नोटिस दे के पूछा जाए और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।